हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑनेस्ट क्रिएशन। माय नेम इज भावेश। और मेरा नाम है जगदीश। और आज हम वीडियो करने वाले हैं इंसान की औकात बाय मोहम्मद अली मिर्ज़ा। ओके, तो वीडियो का टाइटल है इंसान की औकात। तो देखते हैं वीडियो में क्या है, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, यस, शुरू। अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें एक हकीर पानी से पैदा नहीं किया, एक मनी के कतरे से? और वो इतना हकीर है कि आम गुफ्तगू में उसका जिक्र करना भी इंसान पसंद नहीं करता, इतनी हकारत से उसे समझा जाता है। जिस्म से निकल जाए तो गुसल फर्ज हो जाता है, कपड़े धोने जरूरी हो जाते हैं, उससे जान छुड़ाना जरूरी हो जाता है। इसी के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान की औकात रख दी है कि इंसान कभी अपनी पैदाइश के ऊपर गौर करे तो कभी उसके अंदर अकड़ नहीं आ सकती। और देख ले, कोई दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान, उसकी पैदाइश हुई उसी तरीके से। एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक्सेप्शन मिलती है ना, अदरवाइज बड़े से बड़ा कोई पैगंबर हो, बड़े से बड़ा कोई फिलासफर हो, बड़े से बड़ा कोई जो है वो साइंटिस्ट हो, वो पैदा उसी तरीके से हुआ है, एक हकीर बेकदर पानी से। तो अल्लाह तआला कहता है, क्या तुम्हें हमने उस हकीर पानी से पैदा नहीं किया? फजअलनाहु फी क़रारिन मकीन, फिर हमने उसे रख दिया एक महफूज जगह, रहम मादर में, माँ के पेट के अंदर बड़ी मजबूत जगह, तीन यानी परतों के अंदर अल्लाह तआला ने उसे महफूज किया, एक जिनीन की फॉर्म में, एक एम्ब्रियो की फॉर्म में। फिर उसके अंदर अल्लाह ताला ने जिस तरीके से नक्शो नगारी फरमाई है, वो तो ना माँ को पता होता है ना बाप को पता होता है। माँ बाप वैसे इज्जत अवेल करते रहे, वो तो बेचारे जरिए हैं, सिर्फ करने वाला तो अल्लाह है। ना बाप को पता होता है कि क्या हुआ, ना माँ को पता होता है कि क्या हुआ। इला कदर मालूम, एक मुअय्यन मुद्दत तक के लिए। फ़क़द्दर ना, तो हमने एक अंदाजा ठहराया। फ़निअमल क़ादिरून, तो कितने ही बेहतर हम अंदाजा ठहराने वाले हैं। वैलुन यौमइज़िल लिल्मुकज़्ज़िबीन, लेकिन याद रखना, ये जो हमने पैदा किया और दुनिया में भेज दिया, ये इसी तरीके से तुम्हें छोड़ नहीं दिया। सीरियस क्रिएशन हो तुम अल्लाह की, उसने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया है। और इसमें ही क़यामत मुज़मिर है इसी जुमले में, वैलुन यौमइज़िल लिल्मुकज़्ज़िबीन। अब जो फिर रब को रिस्पॉन्स नहीं करेगा, उसके लिए तबाह बर्बादी है क्यामत वाले दिन। तो ये अल्लाह ताला ने एक इंसान को उसकी औकात याद करवाई है कि तेरी कोई हैसियत नहीं थी, अल्लाह ताला ने तुझे एक बेकदर पानी से पैदा किया, दो दफा तुझे शर्मगाह से गुजारा, उसके बाद पूरी जिंदगी इंसान पखाने और बदबू का बोझ उठाए फिरता है, जब तक बाहर ना निकाल ले उसे सुकून नहीं आता, और बाहर वो सबके सामने निकाल भी नहीं सकता, पर्दे में जाना पड़ता है, और मरने के बाद गल सड़ के हड्डियां बन जाएगी। ये उसकी पूरी औकात है। कई एक बुजुर्गों के बारे में ये वाकया आता है, इवन उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में भी आता है कि वो एक दफा अकड़ के चल रहे थे खलीफा बनने से पहले, बड़ी शाना जिंदगी थी उनकी। तो ताउस ताबई थे रहिमहुल्लाह ताला, जो इब्ने बास के शागिर्द हैं, तो उन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज को जब अकड़ के चलते हुए देखा ना, ये इमाम गजाली ने भी मुकाशफतुल कुलूब के अंदर नकल किया है, तो उन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज को मुखातिब करके कहा कि ऐसे शख्स को जमीन पर अकड़ने की कोई इख्तियार हासिल नहीं होना चाहिए, उसकी कोई हैसियत नहीं कि जमीन में अकड़ के चले कि जो एक मनी के नापाक कतरे से पैदा हुआ है और दो दफा शर्मगाह से गुजारा गया है और अपने पेट में पखाने का बोझ उठाए फिरता है और मरने के बाद गल सड़ के एक मुर्दा होगा। वो देख लेना, फौरन बू पड़ना शुरू हो जाती है, थोड़ी सी लाश को डिले करते। उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब ये बात सुनी तो फौरन आजजी के साथ चलना शुरू हो गए
और साथ फरमाते जाते थे कि ताऊस ने मुझे जो नसीहत की है ना, मेरे एक एक जोड़ के ऊपर उसने ऐसी जर्ब लगाई है कि मैंने उस जर्ब को महसूस किया। लेकिन ये वही जर्ब महसूस करता है जिसके अंदर वो एक्सेप्टेबिलिटी का मादा मौजूद हो, वरना कोई ढीठ हो ना उसके ऊपर से पूरा कुरान भी गुजार दे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नसीहत वाले के लिए एक जुमला भी काफी होता है। इसी तरह का वाकया हज्जाज इब्न यूसुफ के बारे में मिलता है कि वो भी बड़ा अकड़ के चल रहा था और ताऊस ताबी गुजर रहे थे तो पीछे से किसी ने अनाउंसमेंट की कि अभी रास्ता छोड़ दो, गवर्नर हिजाज आ रहे हैं। तो ताऊस तो फिर ताबी थे, इब्न अब्बास के शागिर्द, उनका तो तज़किया हुआ हुआ था, वो इन बादशाहों को क्या समझते थे। हालांकि सैकड़ों सहाबा का कातिल है हज्जाज इब्न यूसुफ, इतना जालिम शख्स था। इमाम तिर्मिजी ने जामे तिर्मिजी में इसके बारे में लिखा है कि 120,000 लोग हैं जिसको इसने अपने सामने कत्ल करवाया बांध के, बेगुनाह। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं वो फिर इन चीजों को खातिर में नहीं लाते। तो हज़रत ताऊस नहीं हटे तो हज्जाज हैरान हुआ कि ये कौन सा बंदा है। उनके पास आगे खड़ा हुआ और कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो? उनका मैं बड़े अच्छी तरीके से जानता हूं, तुम एक नापाक कतरे की पैदाइश हो, एक दफा अपने बाप की शर्मगाह से निकले, दूसरी दफा अपनी मां की शर्मगाह से निकले, और तुम्हारे पेट में इस वक्त पखाने और बदबू को तुम उठाए फिरते हो सबके सामने, सबको पता है। ये वो हकायक है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और मरने के बाद तुम गल सड़ के एक मुर्दे की फॉर्म में पड़े होगे, मैं बड़े अच्छे तरीके से तुम्हें जानता हूं। वो ये समझ रहे थे कि ये कहेगा कि तुम जो आले उमैया के जो इतने बड़े गवर्नर हो। उन्होंने कहा मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं। तो जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू सुन के वो बादशाह जो है शशदर रह गया था ना, उसे कोई बात ही नहीं आई थी, हज्जाज इब्न यूसुफ की भी जुबान बंद हो गई कि इस तरीके से भी मुझे कोई जवाब दे सकता है, और वो खामोश होकर वहां से चला गया। सर उन लोगों की तरबियत कुरान से हुई भी थी, ये जो जुमले बोला करते थे ना वो कुरान से ही बोला करते थे ना, कुरान यही तो बात कर रहा है। हमें वाकयात याद रहते हैं लेकिन कुरान तो हमने पढ़ना नहीं होता, कुरान यही तो बात कर रहा है। ओके, तो ये था वीडियो का टाइटल इंसान की औकात। हाँ, वो क्या समझ में आया तेरे को? उन्होंने बोला कि इंसान जो हो वो पैदा भी एक तरीके से होता है, मरता भी एक तरीके से। इन्होंने अकड़ की भी बात की, मतलब इन्होंने बताने की यही कोशिश की घमंड नहीं करना चाहिए, ये कुछ बताने की। हाँ, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इंसान की कोई औकात नहीं होती है, उसको इसी दुनिया में रहना है और वो सारे काम करने हैं जो एक नॉर्मल इंसान करता है। कोई इंसान सुप्रीम नहीं होता है और उसको वो सारे जिम्मेदारियाँ और वो सारे मतलब जो भी काम है वो सारे करने ही पड़ते हैं, तो कोई स्पेशल कोई होता नहीं है। तो उन्होंने ये बताया कि इंसान की वैसे में कोई औकात होती नहीं है, है ना, भले वो इंसान कितना भी बड़ा हो छोटा हो, लेकिन एक्चुअल में इंसान की जितना इंसान अपने आप को अलग से सुप्रीम करने की कोशिश करता है पर वो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, बेसिकली ये कहना चाहते हैं इस वीडियो में। तो ठीक है, ये काफ़ी हिस्ट्री से काफ़ी फैक्ट्स उठाते हैं और काफ़ी वाकये बताते हैं। उन्होंने लास्ट में बोला कि जितने भी ये बातें हैं ये सब कुरान से उठाई गई है ना, और उन्हीं को बातों की फॉर्म में बताया गया है तो लोग समझ जाते हैं, और जो पढ़ते नहीं हैं वो भी उस बात को सीधा समझ जाते हैं, ज्ञान कर जाते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितना भी वो जो कह रहे हैं उनका कहने का जो सेंस है वो सही होना चाहिए, है ना, उसको कोई गलत वे में नहीं समझे, है ना। इसमें उन्होंने एक पर्सनैलिटी की बात की हज्जाज बिन यूसुफ, उन्होंने 120,000 लोगों को मरवाया, ये पता नहीं हिस्ट्री का कोई फैक्ट है, आप बताना कि एक्चुअल में घटना थी क्या, उन्होंने क्यों मरवाए, और उन्होंने अकॉर्डिंग टू मोहम्मद अली मिर्ज़ा इन्होंने बताया कि मासूम लोगों को मरवाया है ना। तो और साहिबा क्या होते हैं, उनको भी कत्ल करवाया, पता नहीं क्या ये सही है गलत है मुझे नहीं पता, इन्होंने बताया है तो सही होगा, तो आप बताना कमेंट बॉक्स में कि एक्चुअल में स्टोरी क्या है ना, पूरा बोलने का। ओके, तो हमें जो समझ में हमने आपको बता दिया, अगर आपको लगता है कि हमें और कम समझ में आया कुछ भी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और भी कोई वीडियोस हो मेरी इंस्टा आई डी पर आप सेंड कर सकते हैं। बाकी भाऊ कमेंट बॉक्स में जो भी आप लिखता है उसका रिप्लाई करता है, आपको भी रिक्वेस्ट हो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, मेरी इंस्टा आई डी पर भी सेंड कर सकते हैं। बाकी फॉलो कीजिए मुझे इंस्टा पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधा मिल जाए। क्यों भाऊ? यस। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, गर्मी ज़्यादा है, बी हाइड्रेटेड, पानी पीजिए,
लोगों को पानी पिलाइए, ये बड़ा स्वभाव का काम है पानी पिलाना भी, तो ऊपर वाला इसी से खुश होता है। ओके, तो इस छोटे से मैसेज के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।